हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका दिल से स्वागत है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। खैर, ये तो दूर की बात है। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये रैंकर्स सेलेक्टेड प्रैक्टिस की हम बात करेंगे। मतलब एक रैंकर बनने के लिए किस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना पड़ेगा, किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ेंगे आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए, इस पर मैं विशेष तौर पर चर्चा करूँगा। फिलहाल के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ, और बात यह है कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, और अगर इस मतलब अभी जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, मेरा कहना है कि और मैं ये सोच रहा हूँ कि इस क्लास को काफ़ी तब तक हम लोग चलाएं जब तक एग्जामिनेशन ख़त्म ना हो जाए आपके ट्वेल्थ का। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि एग्जामिनेशन तक हम लोग डेली बेसिस पे 25-20 क्वेश्चन करते रहें ताकि हम लोग का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो सके। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो चलेगी, अदरवाइज फिर इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, फिर इसको हम कह सकते हैं रोक दिया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आइदर के कॉन्सेप्ट को लेकर के। ज़रा आइदर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। मैं थोड़ा स्लो हूँ, स्लो बोलता हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि यार बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए सोचो क्योंकि कमिटमेंट किया है कि हाँ आज 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन डालूंगा तो डालूंगा 100%, इसलिए मैं आया हूँ, नहीं तो ज़रूरत नहीं थी। इसका ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन आइदर के कॉन्सेप्ट को लेकर के है। आइदर के बारे में हम बताएं आपको कि जब दो में से एक की बात हो, हम कह सकते हैं वन आउट ऑफ टू, यानी दो में से जब एक की बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ, आइदर कहने का मतलब ये हुआ दो में से एक, यानी या तो ये, समझ में आया। यानी जब दो में से एक की बात हो रही है मेरे भाई, तो सिंगुलर है या प्लुरल। आपका जवाब होगा कि सर जब दो में से एक की बात हो ही रही है इसका मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वह भी सिंगुलर दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। इसी तरीके से एक नाइदर के कॉन्सेप्ट को देखो। जब हम इस नाइदर को लेकर के जिक्र करते हैं तो नाइदर बेसिकली दो में से एक भी की चर्चा नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो में से कोई भी नहीं होगा। भैया याद रखना, दो में से कोई भी नहीं है इसका मतलब ये भी अपने आप में सिंगुलर ही है। यानी अगर साफ साफ मैं समझने की कोशिश करूं तो आइदर और नाइदर बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करता है। दो में से एक भी नहीं और दो में से एक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का सेंस याद करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में जब हम जिक्र कर रहे थे उस टाइम मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को बताने के लिए हम एक बार में एक का जिक्र करते हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए आइदर और नाइदर दोनों अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से वो भी सिंगुलर दिया जाएगा। यानी सबसे पहला क्वेश्चन है आइदर ऑफ द टू ब्लैंक एक्सेप्टेबल, इज होगा या आर या हैव या हैस, बिल्कुल अपने आप में इज अपने आप में राइट आंसर है। जैसे बड़े आराम से देखो क्वेश्चन को मैं लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप लोग मेरे साथ नोट करना। Either of the two blank acceptable, जरा ध्यान से समझो मेरे भाई। जब दो में से एक के बारे में चर्चा हुई है, जब दो में से एक के बारे में चर्चा हुई है इसका मतलब सिंगुलर होगा। आपके सामने ऑप्शन है इज है, आर है, हैव है और हैज है। इतना तो कन्फर्म है कि ना तो आर होगा ना तो हैव होगा क्योंकि दोनों अपने आप में प्लुरल है। अब मेरे को पता चला कि या इज हो सकता है या फिर हैज हो सकता है, लेकिन हम आपको पढ़ाए हैं याद करो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हैज का यूज़ होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब हैज का यूज़ तो होता है लेकिन परफेक्ट होने की वजह से इसके साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए, लेकिन आप क्वेश्चन में देखो थर्ड फॉर्म का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हैज आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। कुल मिला के आपका आंसर होना चाहिए आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल। समझ में आया। हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश, जरा ध्यान से देखो आई ब्लैंक स्पीक स्पेनिश। एक बात बताना मेरे भाई, एक कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, जरा इस पर फोकस करना। मैं एक टॉनिक दे रहा हूँ और ये जो टॉनिक है ये सुबह शाम लेते रहना आप लोग। सुबह शाम कहने का मतलब ये हुआ कि खाने से जस्ट पहले लेना और खाने के जस्ट बाद लेना इसका मतलब रात में लेना, खाने से जस्ट पहले इसका मतलब सुबह में लेना। और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लॉजिकल है, और मैं बोल सकता हूँ कि गोबर गणेश लोगों के लिए है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूँ एक कॉन्सेप्ट को लेकर के जिसका नाम है आयुर्वेद, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा ध्यान से देखो। आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट कहता है, ये आई बताने की कोशिश करता है आई के बारे में, यू बताता है वाई ओ यू के बारे में, वी बताता है वी के बारे में, द बताता है दे के बारे में। यानी जितने भी आपके सामने वर्ड दिख रहे हैं आई यू वी और दे,
चारों का चारों एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल। आपका जवाब होगा सर ये तो अपने आप में प्लुरल है। अगर मेरे भाई प्लुरल है तो वर्ब कैसा लेगा? आपका जवाब होगा प्लुरल होने की वजह से वर्ब भी प्लुरल लेगा। मेरे बात को ध्यान से समझना, आई अपने आप में प्लुरल है, अगर प्लुरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लुरल लेगा। आपके सामने ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे पहला डज नॉट, डज नॉट, ध्यान से देखो। दूसरा है हैव नॉट, तीसरा है डू नॉट और चौथा है हैड नॉट। अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करो तब जाकर के आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। आई अपने आप में प्लुरल है तो इतना तो कंफर्म हुआ मेरे भाई कि प्लुरल होने की वजह से है डज का यूज़ नहीं होगा क्योंकि डज अपने आप में सिंगुलर है। बिल्कुल। अब बात आती है हैव होगा या डू होगा या फिर हैड होगा। एक बात बताना, जब हैव है इसका मतलब यह हुआ कि इसके बाद जो आएगा वर्ब का फॉर्म आएगा वो तीसरा फॉर्म आना चाहिए, लेकिन यहाँ एसपी पहला फॉर्म है, इसका मतलब ये आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। हैड के साथ भी तीसरा फॉर्म आना चाहिए यानी पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ। आपका एकमात्र ऑप्शन बचा डू नॉट, और डू नॉट इस सेंटेंस का बिल्कुल राइट आंसर होगा। डू नॉट इस सेंटेंस का राइट आंसर होगा। हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको आप लोग नोट कर सकते हो, इसके बाद मैं मिटाऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है यार, और थोड़ा फास्ट खींचूंगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हटाता हूँ इसको, ठीक है? थोड़ी सी उलझन है लेकिन क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली लिया गया है एक्टिव से पैसिव वॉइस की, इसके कॉन्सेप्ट को जरा समझने की कोशिश करना। अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव वॉइस को लेकर के, अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव से अगर पैसिव बनाने की बात आती है, एक्टिव से अगर पैसिव बनाने की बात आती है, तब एक बात बता देता हूँ मैं। अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखा हो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट कहने का मतलब वर्ब का पहला फॉर्म या फिर पहला फॉर्म के साथ एस या ईएस देखने को मिलेगा, इस समय आप अगर इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस में इज, एम या फिर आर का जिक्र किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बात यह है कि अगर एक्टिव वॉइस V2 में दिखे, V2 कहने का मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहने का मतलब पास्ट, इसलिए जब आप बनाओगे इसका जब आप पैसिव बनाओगे उस सिचुएशन में वॉज या वर का जिक्र होगा। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में हैज या फिर हैव का जिक्र किया जाएगा तो याद रखना कि जो ऑप्शन मतलब जो पैसिव वॉइस आएगा उसमें भी हैज हैव के साथ बीन जुड़ा हुआ मिलेगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ही आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना सोचना है कि आपको सिर्फ फोकस करना है वर्ब पे। अगर वर्ब पे फोकस करना कहने का मतलब ये हुआ कि आपको केवल और केवल वर्ब पे फोकस करना है, वर्ब के बारे में जरा समझने की कोशिश करना है कि रियल में क्या होता है। एक्टिव से पैसिव बनाना एकदम छुटकी का खेल है अगर आपके अंदर एक चीज़ है तो। वो चीज़ क्या है जरा ध्यान से देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस सेंटेंस का मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा। जैसे मैंने लिखा रमन प्लेज क्रिकेट। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का एक सिंपल सा तरीका मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला कि ये अपने आप में सब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट हुआ। हम जानते हैं कि सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बनने की इजाज़त या तो नाउन को है या फिर प्रोनाउन को है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है पूरे के पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने की इजाज़त है। जरा ध्यान से देखना, इस सब्जेक्ट को हम लोग स्ट्राइक बोलेंगे, दैट इज स्ट्राइकर बोलेंगे, स्ट्राइकर, और एक को बोलेंगे नॉन स्ट्राइकर। नॉन स्ट्राइकर कहने का मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पे मतलब उस साइड है उसको नॉन स्ट्राइकर बोलेंगे, और जो अपने मतलब बैटिंग जहाँ पे कर रहा है वो उसको हम लोग स्ट्राइकर बोलेंगे। ज़रा ध्यान से समझो, जब हम बात करते हैं स्ट्राइकर के बारे में और नॉन स्ट्राइकर के बारे में, ये मुझे समझाने की कोशिश करता है। सपोज करो ये 3 विकेट है और यहाँ एक यहाँ है, ठीक है, और पूरा का पूरा ये बाउंड्री है, मतलब हम कह सकते हैं पूरा का पूरा एक स्टेडियम है, स्टेडियम नहीं इसको आप बोल सकते हो या जो कुछ भी बोला जाता है आप समझ सकते हो, और ये यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस है। स्ट्राइक पर अगर ये है तो नॉन स्ट्राइक पर जो होगा वो यहाँ ये है, ठीक है?
एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका यह है कि जो नॉन स्ट्राइक पे है उसको आप स्ट्राइक पे भेज दीजिए, जो स्ट्राइक पे है उसको आप नॉन स्ट्राइक पे भेज दीजिए। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम आपको करना है कि इस दोनों के बीच में जो विकेट का इधर उधर हुआ है या फिर रनिंग बिटवीन द विकेट हुआ है उन चीज़ पे फोकस करना है। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये नॉन स्ट्राइकर बना, ये स्ट्राइकर बना। सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम करना है कि इस नॉन स्ट्राइकर को उठा करके स्ट्राइक पे भेजिए। स्ट्राइक पे भेजिएगा तो क्या बनेगा? आप बोलोगे बन गया क्रिकेट। इनडेफिनिट है, इसका मतलब इसके साथ इज, एम, आर कुछ भी आ सकता है। क्रिकेट अपने आप में सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से इज या आर, आपका जवाब होगा सर इज आएगा। तो क्रिकेट इज प्ले या फिर क्या? तो आपका जवाब होगा सर प्ले नहीं प्लेड। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब कभी भी पैसिव वॉइस बनाने की जरूरत पड़ती है या फिर हम पैसिव वॉइस बनाने की सोचते हैं उस सिचुएशन में या उस समय आपको एक बात आना चाहिए कि बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र पैसिव वॉइस में हमेशा होगा। अगर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र होगा समझना वो पैसिव वॉइस है। एक बात बताना, इज प्लेड बाय रमन, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो मैं दूसरा सेंटेंस फेंकता हूँ, जरा ध्यान से देखो। मानस स्पोक इंग्लिश, ये अपने आप में स्ट्राइकर हुआ, ये नॉन स्ट्राइकर हुआ। नॉन स्ट्राइकर को उठा करके स्ट्राइक पे लाइए, सबसे पहले स्ट्राइकर को उठा करके लास्ट में ले जाइए। नॉन स्ट्राइकर को लाइएगा स्ट्राइक पे तो क्या बनेगा? बन जाएगा इंग्लिश। ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब इसका जो हेल्पिंग वर्ब तैयार होगा वो या तो वॉज हो सकता है या फिर वर्ड हो सकता है। वॉज आएगा सिंगुलर के लिए, वर्ड आएगा प्लुरल के लिए। इंग्लिश अपने आप में सिंगुलर या प्लुरल? आपका जवाब होगा सर सिंगुलर है, इसका मतलब क्या बनेगा? वॉज। ठीक है, ये सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का जिक्र करेंगे। इसका मतलब वॉज स्पीक का क्या बन जाएगा थर्ड फॉर्म? स्पोकन बाय मानस। समझ में आया? यानी जब कभी भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की जिक्र आती है, बात आती है, उस समय आपके दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए, केवल और केवल आपका जो फोकस होना चाहिए वो बेसिकली वर्ब पे होना चाहिए। वर्ब पे फोकस कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। अगर वर्ब के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने अभी मैं दे रहा हूँ, जरा इस पर गौर फरमाने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, दिस हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। जरा ध्यान से देखना, दिस हाउस वॉज पेंटेड बाय टॉम। अब आपको यह बताना है कि ये सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में। सबसे पहले ये अपने आप में बी फॉर्म है, बी का पेंटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब ये हुआ बी के साथ जैसे ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जुड़ गया, इसका मतलब ये चीज़ें अपने आप में पैसिव है, तो इसका एक्टिव बनाने की कोशिश करो। अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म है, इतना तो मेरे को कन्फर्म है कि ये सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट की बात है। इसका मतलब अब जो बनेगा वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। आपके सामने मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, सबसे पहला ऑप्शन है टॉम वॉज पेंटिंग बाय हाउस। दूसरा ऑप्शन है, टॉम इज पेंटिंग द हाउस। तीसरा है ऑप्शन, टॉम पेंट्स द हाउस। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके, लास्ट ऑप्शन है, टॉम पेंटेड द हाउस। एक बात बताना, जैसे मैंने देखा बी के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ पहले से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये चीज़ें पैसिव है। इसका मतलब एक्टिव फॉर्म में जाने के लिए मुझे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन वहाँ यहाँ पे पेंटिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, यानी ये आपके डिस्कशन से बाहर हुआ। टॉम इज पेंटिंग ये भी सेकेंड फॉर्म नहीं है, यानी ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ। पेंट्स ये भी सेकेंड फॉर्म नहीं है, ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ। बच गया टॉम पेंटेड, ये अपने आप में सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म होने की वजह से ये सारा का सारा चीज़ अपने आप में इसका ऑप्शन यानी राइट बन जाएगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और बड़े ध्यान से देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, जॉन ब्लैंक इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। जरा फॉर और सिंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ये फॉर है और मैं बात करता हूँ फॉर के बारे में और सिंस के बारे में, जरा ध्यान से समझो। फॉर और सिंस के जस्ट बाद जो जिक्र किया जाएगा वो बेसिकली टाइम का जिक्र किया जाएगा। फॉर सिंस के जस्ट बाद टाइम का जिक्र किया जाएगा। हम लोग जानते हैं कि फॉर और सिंस किसी न किसी पास्ट एक्शन के बारे में बताने की कोशिश करता है। फॉर बेसिकली एक ड्यूरेशन को बताता है जबकि सिंस एक परफेक्ट टाइम को बताता है, एक सुइटेबल नहीं एक ऑथेंटिक टाइम को बताता है। हम साफ साफ कह सकते हैं कि ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में जिक्र करता है जबकि फॉर स्पेसिफिक नहीं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताता है। जरा ध्यान से देखना, इस सिचुएशन में इसके पहले जो टेंस का इस्तेमाल होगा उस टेंस का नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जिक्र किया जाएगा। आपके सामने एग्जांपल या फिर हम कह सकते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन है, जॉन ब्लैंक इन द हॉस्पिटल फॉर टू वीक्स। जरा ध्यान से समझो, जॉन ब्लैंक इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। ऑप्शन आपके सामने है, हैज़ बीन लाइंग। दूसरा ऑप्शन है लाइज। तीसरा है इज लाइंग। चौथा है लाइड। जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेकर के, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ देखो, सबसे पहले जॉन ब्लैंक इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स, इस फॉर को देखो, फॉर के जस्ट बाद जो जिक्र किया गया है वो बेसिकली 2 वीक्स एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बताया गया है। यानी एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में जैसे ही जिक्र किया गया, इसका मतलब ये समझ में आया कि फॉर के जस्ट बाद हम लोग जिसका जिक्र करते हैं वो बेसिकली टाइम ही होता है। और इतना तो हम जानते हैं कि इसके पहले जो यूज़ किया जाता है वो बेसिकली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जिक्र होता है। ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए में परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। भाई आप लोग मेहनत करना सीख लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास कम टाइम है, और आप लोगों का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहेगा तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और मैं पूरा जोर शोर से अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा आप सबके सामने, क्योंकि आपका सिलेक्शन ही मेरा, आपका अच्छा रिजल्ट ही मेरा सक्सेस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर देखो। और 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले या फिर हम लिख लेते हैं क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे। द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट ब्लैंक डाइट। ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सबसे पहला ऑप्शन है Have, दूसरा ऑप्शन है Has, तीसरा है Are, चौथा ऑप्शन है None of these। एक बात बताना, जब हम नाउन के बारे में जिक्र कर रहे थे उस टाइम मेरे भाई मैंने आपको साफ साफ बताया है कि जब एक से ज़्यादा पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया हो, याद करो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। जब एक से ज़्यादा पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया हो और केवल पहले वाले में आर्टिकल लगा हो, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही इंसान है जो अलग अलग पोस्ट धारण किए हुए हैं। जब इंसान एक है मेरे भाई, इसका मतलब सिंगुलर या प्लुरल? आपका जवाब होगा सर अगर इंसान एक है, इसका मतलब यह हुआ कि वो चीज़ें अपने आप में सिंगुलर है। सिंगुलर होने की वजह से वर्ब कैसा दिया जाएगा? आपका जवाब होगा कि सर अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर दिया जाएगा, यानी हम कह सकते हैं सिंगुलर वर्ब का जिक्र किया जाएगा। मेरे बात को ज़रा ध्यान से समझिए, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट यानी एक स्कॉलर का जिक्र हो गया है और पोएट का जिक्र हो गया है, लेकिन गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दो है, स्कॉलर अलग पोस्ट है, पोएट अलग पोस्ट है, लेकिन केवल और केवल पहले वाले में आर्टिकल लगा है। इसका मतलब एक ही इंसान है जो स्कॉलर भी और पोएट भी है। अगर एक ही इंसान है तो सिंगुलर या प्लुरल? आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर होगा। जब सिंगुलर होगा तो डिस्कशन से ये बाहर तो बचा कौन? तो आपका आंसर होगा कि जो बच गया है वो बेसिकली हैज है। Has is the right answer of this type of question या फिर of this question। छठा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और छठा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है Have you seen blank ताजमहल?
ताजमहल, ऑप्शन है आपके सामने ए, दूसरा ऑप्शन है एन, तीसरा है द, चौथा है नन। एक बात बताना मेरे भाई, ताजमहल कोई जनरल चीज़ है क्या? आपका जवाब होगा नहीं, स्पेसिफिक चीज़ है। स्पेसिफिक चीज़ के पहले आर्टिकल हम लोग लगाते हैं और वो आर्टिकल है आपका द, यानी द इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम लोग बढ़ते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर। इसको पहले नोट कर लीजिए, सातवां नंबर क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो अच्छे अच्छे की हालत ख़राब कर देती है। हालत ख़राब कहना गलत होगा, यानी अच्छे अच्छे की औकात दिखा देती है। जरा ध्यान से समझ ही लो। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इमेजिनेशन को लेकर के, इमेजिनेशन को ही हम लोग हाइपोथेटिकल के नाम से जानते हैं। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वही अपने आप में हाइपोथेटिकल है। जरा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूँ इमेजिनेशन को लेकर के, मैं बात करता हूँ हाइपोथेटिकल को लेकर के। एक बात बताना, अगर कोई इंसान इमेजिनेशन के बारे में चर्चा करता है तो इंग्लिश ग्रामर उसके लिए एक कॉन्सेप्ट देता है, और कॉन्सेप्ट ये देता है सबसे पहले आप उस सेंटेंस को इफ़ के साथ जोड़िए, इफ़ के बाद आप सब्जेक्ट के साथ जोड़िए, यानी सब्जेक्ट के साथ जो जोड़ दिए इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद एक बात बताना, अगर कोई भी चीज़ आप इमेजिन करते हो, सपोज़ करो अगर मैं बोल दिया अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो सारे के सारे जनता को, पढ़े लिखे जनता को जॉब देता, एक बात बताना क्या मैं प्रधानमंत्री हूँ? आप बोलोगे नहीं। अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, क्या मैं पक्षी हूँ? नहीं, आकाश में उड़ा बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एक ऐसा चीज़ जो हो ही नहीं सकता वही अपने आप में इमेजिनेशन कहलाएगा, उसी को एक दूसरे नाम से जैसे हम लोग हाइपोथेटिकल के नाम से समझेंगे। यानी हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो रियल में हो ही नहीं सकता, और बात उसी के बारे में हम लोग कर रहे हैं वही हाइपोथेटिकल है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट दिया इफ़, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब दिया जाएगा वो अपने आप में वर का दिया जाएगा, वर। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेसिकली सिंगुलर भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्लुरल भी हो सकता है। मेरे बात को जरा ध्यान से समझना, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा प्लुरल ही आएगा, वर्ब हमेशा प्लुरल ही आएगा। प्लुरल क्यों आएगा मेरे भाई? क्योंकि वर्ब को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आएगा कि ये तो सर V2 है, और V2 है बी फॉर्म का, V2 है। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, V2 तो है, इसका मतलब इसका रिलेशन कहीं ना कहीं पास्ट से है, और पास्ट से रिलेशन है तो कुल मिला के इमेजिनेशन होता ही पास्ट का है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इमेजिनेशन की जब भी बात हो या हाइपोथेटिकल की जब भी बात हो, इस सिचुएशन में इफ़ इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, यानी इफ़ के जस्ट बाद सब्जेक्ट का जिक्र करेंगे, उसके जस्ट बाद वर्ब का जिक्र करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 का सबसे पहला ऑप्शन है आई विश वर यंग मैन अगेन, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है आई विश वॉज आई ही नहीं सकता, आई विश आई वर यंग मैन, वो के ये बिल्कुल सही आंसर है। आई विश आई वर यंग मैन बिल्कुल सही है, जैसे मैंने इमेजिनेशन किया कि मैं फिर से अपना यंग मैन धारण कर लूँ, जवानी अवस्था धारण कर लूँ, ये हो ही नहीं सकता, उसके बारे में मैंने सोचा। इसके मतलब ये हुआ कि इफ़ के साथ नहीं, यहाँ पे मैं किसी और के साथ अलग अलग तरीके से इमेजिनेशन कर सकते हैं, इसमें कोई शक की जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड टू वरी, राइट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ज़रा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लीज़ इसको आप लोग रिविज़न करते रहना, मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ अभी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझा पा रहा हूँ। अगर कमिटमेंट नहीं होता तो फिर इतना भी फिक्स था कि मैं आज आता भी नहीं आप लोगों के सामने, ठीक है यार। मैं बता देता हूँ, अभी जो टाइम हो रहा है वो बेसिकली 10:13:52 हो रहा है, पता है, और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ रात में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, ब्लैंक ही कम विद अस, ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सबसे पहला विल, दूसरा इज, तीसरा डू एंड चौथा हैव, ये आपके सामने ऑप्शन है। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना,
ही को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर ही तो अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल। आपका जवाब हो जाएगा कि सर ही अपने आप में सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है मेरे भाई तो इतना तो कंफर्म है कि इज तब आएगा जब बात कंटिन्यूअस की आएगी। इसका मतलब इज अपने डिस्कशन से बाहर आएगा, डू आ नहीं सकता है क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर के लिए वर्ब कैसा? आप बोलोगे सर सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। बड़े ध्यान से देखो, आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बेतुका वाला हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ज़रा ध्यान से देखो। हम लोग इतना जानते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब प्लुरल होगा। ये तो हम लोगों का एक ऑथेंटिक अप्रोच है। लेकिन जिसके दिमाग में भूसा कसल है, जिसके दिमाग में गोबर कसल है, जिसके दिमाग में इधर उधर के ख्याल आते हैं, जिसको पढ़ाई लिखाई से उतना नाता नहीं है, ज़्यादा उस पर दिमाग खर्च नहीं करना चाहता है, तो मेरे बात को ज़्यादा ध्यान से देखो। एक बात मैं बताता हूँ, अगर सब्जेक्ट बड़का तो वर्ब छोटका, सब्जेक्ट छोटका तो वर्ब बड़का। यानी हम कह सकते हैं छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका। यानी मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट अगर बड़का हो जाएगा इसका मतलब जो वर्ब आएगा वो देखने में छोटा रहेगा, सब्जेक्ट अगर छोटा रहेगा देखने में जो वर्ब आएगा वो बड़ा रहेगा। यानी बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का बड़का छोटका छोटका बड़का। बड़े आराम से याद कर सकते हो आप। यानी मेरे कहने का मतलब जिसके दिमाग में भूसा कसल है, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बनाया है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही सब्जेक्ट बड़ा रहेगा तो देखने में वर्ब छोटा आएगा। आप बोलोगे कैसे? तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अगर मैं आपके सामने बोलने की कोशिश करूं राधा राधा एंड रानी, राधा एंड रानी लव्स, राधा एंड रानी लव्स श्याम, राधा और रानी श्याम से प्यार करता है। एक बात बताना मेरे भाई, राधा और रानी अपने आप में सब्जेक्ट हुआ। आप बोलोगे बिल्कुल हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर लग रहा है कि प्लुरल, बड़का लग रहा है कि छोटका। आप बोलोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं, सब्जेक्ट प्लुरल है क्योंकि बड़का है। जब सब्जेक्ट प्लुरल है मेरे भाई तो इतना तो कन्फर्म है क्योंकि सब्जेक्ट बड़का, इसका मतलब जो वर्ब आएगा वो छोटका, लव्स तो बड़ा लग रहा है या छोटा? आप बोलोगे सर देखने में तो बड़ा लग रहा है। क्यों? एक बात बताना, जैसे अगर हम बात करें बुक के बारे में, बुक और बुक्स को लेकर के जिक्र करते हैं, बुक छोटका हुआ, बुक्स बड़का हुआ, हुआ नहीं? जब इसके साथ मैंने एस हटा देंगे या हम एस हटा देंगे तब जाकर के ये छोटका बन जाएगा। मेरे कॉन्सेप्ट को ज़्यादा ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैं बोला हूँ कि सब्जेक्ट अगर बड़का होगा तो वर्ब छोटका होगा, सब्जेक्ट छोटका होगा तो वर्ब बड़का होगा। ज़्यादा ध्यान से देखना, यानी सब्जेक्ट मेरा बड़का है तो वर्ब छोटका आना चाहिए, इसलिए लव का जिक्र होगा। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब यह है कि जब बात आती है सब्जेक्ट बड़ा होगा तो वर्ब छोटा होगा, सब्जेक्ट छोटा होगा तो वर्ब बड़ा होगा। ठीक है, तो एक बात बताना, ही अपने आप में सिंगुलर है इसका मतलब छोटा या बड़ा? आपका जवाब होगा कि सर ही अपने आप में सिंगुलर है इसका मतलब छोटका है, तो वर्ब आएगा वो बेसिकली देखने में बड़का रहेगा, ये भी देखने में छोटका है, ये भी देखने में छोटका है, ये भी देखने में है ही नहीं। इसका मतलब एकमात्र ऑप्शन बचा जिसका नाम है विल, यानी विल ही कम विद अस इज द राइट आंसर। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। 9 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ नहीं है 9 नंबर में। 9 नंबर में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आई हैव अ मैनी वर्क टू डू, आई हैव सम वर्क टू डू, आई विल हैव सम वर्क टू डू। यानी मेरे को मतलब दिया गया है, करेक्ट करना है सेंटेंस को। चार सेंटेंस लिखा गया है और इसमें बोला गया है कि करेक्ट ऑप्शन को इसमें चुनना है। सबसे पहला आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हो, और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट देता हूँ, जरा इस पर फोकस करना। याद करो जब हम वर्क के बारे में चर्चा कर रहे थे, वर्क अपने आप में काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आपका जवाब होगा कि सर वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल हो रहा था। अगर वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल हो रहा था तो इतना हम जानते हैं कि अगर अनकाउंटेबल होगा तो वर्क कैसा लेगा? आप बोलोगे सर वर्ब तो सिंगुलर ले लेगा, इसलिए क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल होना ही अपने आप में सिंगुलर हुआ। अगर इसको हम सिंगुलर कैटेगरी में रखते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर कैटेगरी का देंगे। दूसरी बात कि अगर ये वर्क अनकाउंटेबल है इसका मतलब इसका गिनती करना असंभव है। लेकिन मैं बोला हूँ आपको कि किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल का दर्जा दिया जाएगा अगर उसके अंदर से उसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाए तो। अगर इसको अगर प्लुरल बनाना है तो एक काम के लिए हम लोग लिख सकते हैं अ पीस ऑफ वर्क,
ऑफ पीस ऑफ वर्क, और एक से ज़्यादा काम के लिए, यानी एक से ज़्यादा काम कहने का मतलब अगर 500 काम है तो हम लिख सकते हैं फाइव पीसेस ऑफ वर्क, वर्क ना कि वर्क्स। समझ में आया? मेरे कहने का मतलब जो हो रहा था उस बात पे मैं फोकस करना हूँ कि अगर होम की मतलब वर्क की बात करते हैं तो वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर लेंगे और वर्ब सिंगुलर लेंगे तो आप समझते ही हो कि किसी भी अनकाउंटेबल को काउंटेबल का दर्जा दिया जाएगा अगर उसके अंदर से उसके यूनिट को बाहर निकाल लिया जाएगा तो। ठीक है, तो पहला आपके सामने ऑप्शन ये रहा, बड़े ध्यान से देखिएगा। आई हैव अ होमवर्क टू डू, आई हैव अ होमवर्क, होमवर्क से पहले अ नहीं होगा यार। एक बात बताना, कोई भी अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल से पहले आप अ लगा सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। कैसे? एक बात बताना मेरे भाई, वाटर, वाटर से पहले हम लिख सकते हैं अ वाटर, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। मिल्क, मिल्क अनकाउंटेबल है, इससे पहले आप अ लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, तो अ तो होगा नहीं। दूसरा, आई हैव होमवर्क टू डू, हो सकता है। आई विल हैव होमवर्क टू डू, ये भी हो सकता है। आई हैविंग होमवर्क टू डू, दोनों हो सकता है। लेकिन ज़रा ध्यान से देखो, आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, दोनों में बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूजन है। और आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव होमवर्क टू डू, दोनों में सिचुएशन, दोनों सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, अगर मैं बोलता हूँ आई हैव होमवर्क टू डू, आई विल हैव अ होमवर्क टू डू, यानी ये तो कहना गलत है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, और ऑप्शन नंबर बी है आई हैव होमवर्क टू डू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई हैव होमवर्क टू डू इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज़ इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आज जितना चीज़ मैं लिख रहा हूँ ना, अपने हाथों से लिखना, जितना ज़्यादा लिखोगे ना आपके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी। लिखने की कैपेसिटी डालो यार, मैं जब आपके साथ मेहनत कर सकता हूँ, आपके लिए मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको करने में क्या बुराई है? क्योंकि यार जो सपना आपने अपने माँ बाप को दिखाया ना, उस सपने को पूरा करना है, क्योंकि आप ही हर हमेशा कहते हो और मैं इतना जानता हूँ कि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और बहुत ज़बरदस्त लेवल की सफलता मिलेगी, बहुत ज़बरदस्त लेवल की, ठीक है ना। इसलिए मेहनत करना सीख लो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे आपके लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। इसलिए ना कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मेहनत करो अपने मंजिल को पाने के लिए, अपने उस गोल को पाने के लिए, अपने माता पिता के द्वारा, या फिर अपने कह सकते हैं अपने माता पिता को जो तूने सपना दिखाया है उस सपना को पूरा करने के लिए अभी वक्त है मेहनत करने की। मेरे साथ मेहनत करो, मैं इंग्लिश के हर एक चीज़ को कवर कर दूंगा, मेरा वादा है। सिर्फ आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना, तब तक जुड़े रहना जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। एग्जाम हो जाए, जाओ ना जहां जाना है, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले मैं रोकूंगा और डेली कहूंगा यार तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। इसलिए मेहनत करना सीख लो मेरे भाई। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और जितना एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, क्वेश्चन इसी से आएंगे। मेरे बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं क्वेश्चन सेट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा जो ऑथेंटिक ये है, ये 2019 का क्वेश्चन मैं सेट करा, मतलब आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ, पता है। यानी हर एक चीज़ को सीखने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आपके लिए उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। समझ रहे हो ना? तो मेहनत करो, क्योंकि आपने अपने माँ बाप को जो सपना दिखाया उस सपना को भी पूरा करना है। आप ही ने कहा था, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने भरे देखना, पूरा करके तेरा शेर दिखाएगा, तेरी शेर नहीं दिखाएगी। तो उस मेहनत को हम लोगों को आगे बढ़ाना है, मेहनत पे बेसिकली रियल फोकस करना है। और लोग अक्सर बोल देते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा। अबे क्यों नहीं होगा, मेरे से हर कुछ होगा, हम सब लोग मिल करके कुछ करेंगे। क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ कि रेगिस्तान में रहने वाले को लगता है कि ऊँट ही सबसे तेज दौड़ता है। अबे जब चीते की रफ्तार देखोगे ना, तो तेरा भ्रम टूट जाएगा। समझ रहे हो? तो मेहनत करो, आप निगेटिव लोगों से बचो। लोग आपको कहेंगे कि तेरे से ना हो पाएगा, लेकिन याद रखना होगा, और मेरे से ही होगा। और एक बात याद रखना, जब हो जाएगा तो डीजे पड़ोसी के घर के सामने बजेगा। इसलिए डीजे बजाना है पड़ोसी के घर के सामने। जो पड़ोसी आज बोलते हैं तुझसे ना हो पाएगा, उसी पड़ोसी के मुँह से कहलवाना है कि मुझे पता था कि तुम ही कर सकते हो। इसलिए मेहनत करना सीख लो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा यूट्यूब पे,
आपके ऑफलाइन क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वही सेट किए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द डॉक्टर सजेस्टेड, सॉरी पटना इज सिचुएटेड ब्लैंक द बैंक ऑफ रिवर। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 9 है, पटना इज सिचुएटेड ब्लैंक ब्लैंक द बैंक ब्लैंक द बैंक ऑफ गंगा। पटना जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है एट, सेकेंड ऑप्शन है ऑन, थर्ड ऑप्शन है ऑफ एंड लास्ट ऑप्शन है टू। एक बात बड़े आराम से देखने की कोशिश करना, मैं जानता हूँ सबसे पहले इसके ऑप्शन पे हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। एट के बारे में हम जानते हैं, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, बोलो, यानी ये पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, सबसे पहला पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, दूसरा एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताने का काम करता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, हम साफ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताने का काम करता है आपका एट। एट बेसिकली हम जानते हैं कि जब जगह के बारे में यूज करते हैं तो एट बेसिकली स्मॉल प्लेस के बारे में जिक्र करता है। मैं तीन चीज़ ऐट के बारे में आपको बता दिया, ऐट बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम को बताता है, एंड ऐट पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, ऐट स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं ऑन को लेकर के, ऑन को ज़रा ध्यान से समझो, ऑन बेसिकली कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस के बारे में जिक्र करता है, सबसे पहला कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस के बारे में जिक्र करेगा। दूसरा ऑन जो है वो बेसिकली, ऑन का यूज़ हम लोग कह सकते हैं डेट से जस्ट पहले करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं डे से जस्ट पहले करेंगे। दो चीज़ ऑन के बारे में समझ लो, एक तो हम बोल दिए कॉन्टेक्ट ऑफ सर्फेस, दूसरा हम बोल दिए कि डेट से जस्ट पहले या फिर डे से जस्ट पहले ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। ऑफ ऑफ बेसिकली सेलेक्शन को बताने का काम करता है, ऑफ सेलेक्शन को बताता है, और ऑफ दूसरा पोजिशन को बताता है, पोजिशन को बताता है। और इसके बाद हम बात करते हैं इस टू के बारे में, तो टू के बारे में हम जानते हैं टू बेसिकली किसी न किसी डेस्टिनेशन को बताता है। डेस्टिनेशन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको जाना कहाँ है, आपके टारगेट, आपका टारगेट कहाँ है, उस टारगेट को बताने का काम आपका टू करता है, ठीक है। एक बात बताओ, आपके सामने हर एक चीज़ हो गया है, गंगा जो है वो सॉरी पटना जो है वो गंगा के किनारे स्थित है, पर्टिकुलर लोकेशन नहीं लग रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल पर्टिकुलर लोकेशन लग रहा है, और पर्टिकुलर लोकेशन के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? एट प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करोगे, यानी एट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 10वां की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली फॉर स्विमिंग। जरा ध्यान से देखो, आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन द सन शाइनिंग वी यूजुअली फॉर स्विमिंग। ऑप्शन है आपके सामने, सबसे पहला है वेंट WENT, दूसरा है गोइंग GOING, तीसरा ऑप्शन आपके सामने ये रहा, और तीसरा ऑप्शन है टू गो, और चौथा ऑप्शन रहेगा गो। अच्छा क्वेश्चन है व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली ब्लैंक फॉर स्विमिंग। ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बेसिकली ट्रिक है, और ये ट्रिक लिया गया है आपके टेंस से लिया गया है। टेंस के ट्रिक के बारे में ज़रा चर्चा करते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको, जब कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में देखने को मिलेगा यूजुअली, डेली, ओकेजनली, अगर ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा चीज़ देखने को जैसे ही आपके सामने आया,
ये अपने आप में एक हैबिट को बताता है, और हैबिट को बताने के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा, यानी जैसे ही आपके सामने यूजुअली मिलेगा, डेली मिलेगा, ओकेजनली मिलेगा, सब देखते ही आपके दिमाग में ऑलवेज मिलेगा, ऑलवेज भी अगर आपके सामने मिलता है, इसका मतलब जैसे ही आपके सामने ये सारे के सारे वर्ड्स मिल गए, सारे के सारे वर्ड्स में से कोई भी मिल गए, तो आपको समझ जाना ये प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस के बारे में बताएगा। और प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस हमको बताता है कि V1 आएगा या फिर V1 के साथ एस या ES आएगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं आ सकता है। V1 आएगा या फिर V1 के साथ S या ES आएगा। V1 तब आएगा जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा। V1 के साथ S या ES तब आएगा जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक के बाद देखना है कि सेंटेंस में यूजुअली, ओकेजनली, ऑलवेज देखने को मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और इंडेफिनिट टेंस के लिए हम लोग जानते हैं वर्ब बेसिकली या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा। जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ व्हेन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली, यूजुअली मेरा कीवर्ड है, और यूजुअली को देखते ही मेरे दिमाग में एक बात आया कि यूजुअली जैसे ही आपके सामने आया, यूजुअली जैसे ही आपके सामने आया, इसका मतलब ये बेसिकली प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस बताएगा, प्रेजेंट का इनडेफिनिट बताएगा। और प्रेजेंट के इनडेफिनिट के लिए जो वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो पहले फॉर्म या फिर पहले फॉर्म के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब ये तो दूसरा फॉर्म है डिस्कशन से बाहर, ये चौथा फॉर्म है डिस्कशन से बाहर। ये प्रेपोजिशन आपके सामने एकमात्र ऑप्शन है गो, क्योंकि वी अपने आप में प्लुरल है, प्लुरल होने की वजह से जो वर्ब दिया जाएगा वो बेसिकली गो दिया जाएगा, यानी प्लुरल वर्ब दिया जाएगा। ये रहा आपके क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं, जब तक आप इसको नोट कीजिए। जितना भी चीज आपके सामने लिख रहा हूं मेरे भाई, सबको नोट करना, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम लोग जानते हैं प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाता है। जरा ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रवेश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही ब्लैंक वीडियो गेम्स। जरा ध्यान से देखो तो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहना क्या जाता है, ही ब्लैंक्स वीडियो गेम्स। जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन आपके सामने ये रहा। ऑप्शन है हेड प्लेइंग, दूसरा ऑप्शन है आर प्लेइंग, चौथा ऑप्शन है इज प्लेइंग। एक बात बताना, ही अपने आप में सिंगुलर है या प्लुरल? आप बोलोगे सर ये तो अपने आप में सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है मेरे भाई, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर या प्लुरल? आप बोलोगे सर जिसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी तो सिंगुलर आएगा। तो एक बात बताना, हैड को देखते ही आपके दिमाग में एक बात आएगा, हैड है, इसका मतलब ये हुआ कि हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ आना चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब ये आपके डिस्कशन से बाहर। दूसरा, आई के साथ एम प्लेइंग आएगा, इसका मतलब बाहर, आर आ ही नहीं सकता, यानी एकमात्र ऑप्शन बचा जिसका नाम है इज प्लेइंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है द मैन वॉज ब्लैंक बाय अ डॉग। ऑप्शन ये रहा, सबसे पहला है बीटिन, दूसरा है बीट, तीसरा है हैड बीट, और चौथा है हैड बीटिन। एक बात बताना, द मैन वॉज ये बी फॉर्म है, हम जानते हैं बी फॉर्म है, इसके साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका मतलब पैसिव वॉइस बन जाएगा। वैसे ही बाई के साथ डॉग लगा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस का सेंस दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है
लुक ब्लैंक द पेंटिंग, लुक ब्लैंक द पेंटिंग। सबसे पहला है इन, दूसरा है एट, तीसरा है ऑफ, चौथा है ऑफ। जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, इन के बारे में हम जानते हैं कि इन बेसिकली एक सराउंडिंग का सेंस देता है। दे रहा था ना, आप बोलोगे बिल्कुल दे रहा था। ये अपने आप में एक सराउंडिंग का सेंस देता है, देता है, ठीक है। एट पर्टिकुलर लोकेशन को, पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है, पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है। ऑफ सेलेक्शन को बताता है, पोजिशन को बताया है। ओ डबल एफ बेसिकली एक सडन सेपरेशन को बताता है, यानी सडन सेपरेशन। सेपरेशन का स्पेलिंग एस ई पी ए आर ए टी आई वन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है स्पेल्ट में, करेक्ट द स्पेल्ट में, यानी आपके सामने लुक एट बेसिकली एक पर्टिकुलर लोकेशन को बताता है। बोर्ड पर देखना मेरे भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन ही है, और पर्टिकुलर लोकेशन होने की वजह से इन चीज़ों के साथ हम एट का इस्तेमाल अपने आप में बिल्कुल सही मानेंगे, एट का इस्तेमाल बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रवेश करते हैं, और क्वेश्चन है चूज द करेक्टली स्पेल्ट। अच्छा, चूज द करेक्टली स्पेल्ट में आपके सामने जो दिया गया है वो बेसिकली कमिटी, कमिटी को आपको सही करना है। कमिटी का स्पेलिंग क्या होगा आप लोग बता सकते हो, और सारे के सारे स्टूडेंट कमिटी, कमिटी के स्पेलिंग को प्लीज़ लिखना और इसका आंसर देना कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है अगला लिशन राधा ब्लैंक द सितार, सितार। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगला है लिशन, लिशन राधा ब्लैंक द सितार, द सितार। ऑप्शन है आपके सामने विल प्लेइंग, ऑप्शन है विल प्लेइंग, अगला ऑप्शन है हैड प्लेड, हैड प्लेड, और अगला ऑप्शन है इज प्लेइंग, इज प्लेइंग, अगला ऑप्शन है आर प्लेइंग। इतना तो कंफर्म होना चाहिए मेरे भाई कि एक बात बताना, बहुत आराम से देखोगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि राधा जो है वो सितार बजा रही है, या फिर हम कह सकते हैं सितार से रिलेटेड राधा की बात हो रही है तो हेड प्लेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी सुनने की बात हो रही है तो इसका एक को आंसर होना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की होने की वजह से आपके सामने इज प्लेइंग इज द राइट आंसर, इज प्लेइंग इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है आई एम ब्लैंक माई बेड, आई एम ब्लैंक माई बेड। ज़रा ध्यान से देखो, आई एम ब्लैंक माई बेड, ऑप्शन ये रहा। सबसे पहला ऑप्शन है मेकिंग, मेकिंग, दूसरा ऑप्शन है मेक, तीसरा है टू मेक, और चौथा है हेड मेकिंग, हेड मेकिंग। एक बात बताना, आई एम ब्लैंक, आई एम ब्लैंक, एक बात बताओ, आई एम ब्लैंक ब्लैंक मेकिंग हो सकता है, आई एम ब्लैंक मेक हो सकता है क्या? हम लोग जानते हैं एम के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब इसमें जो आएगा आई एम प्लेइंग यानी आई एम गुड, मतलब कुछ भी आएगा, हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर केवल और केवल ये ए यानी वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है क्वेश्चन दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। ऐसा कोई इंसान, देखो दोज who work in the same department, same department, same department, एक ऐसा इंसान, एक बहुत सारे इंसान जो सेम डिपार्टमेंट में काम करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कलिग्स, COLLEAGUES, कलिग्स मतलब होता है सहकर्मी, सहकर्मी इसको बोलते हैं। सहकर्मी कहने का मतलब हुआ कि साथ में मिलकर काम करने वाले को सहकर्मी बोला जाता है, डेट इज़ वो चीज़ें अपने आप में कलिग कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन की ओर देख लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग क्वेश्चन बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी, अ लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक वेस्टेड ऑन फाइंडिंग, ब्लैंक वेस्टेड ऑन फाइंडिंग
wasted on finding treasures, finding the treasures, treasure. ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सबसे पहला ऑप्शन है was, दूसरा है were, तीसरा है can और चौथा है will. कुछ भी, अरे भैया a lot of energy, energy अपने आप में सिंगुलर है, uncountable है, uncountable में से बहुत, इसका मतलब ये भी अपने आप में uncountable होगा, uncountable होने की वजह से verb सिंगुलर दिया जाएगा. was इज द राइट आंसर, was इज द राइट आंसर. वॉज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा. अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रवेश करते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रवेश करते हैं, जरा ध्यान से देखना. यार गला दर्द कर रहा है पता नहीं क्यों, जरा ध्यान से देखो. गला दर्द करने के पीछे का रीज़न है कि आज गोलगप्पा खा लिए हैं और हम खाते होते नहीं, बहुत कम खाते हैं, ना के बराबर, लगता है कि घसा उसा गया होगा, छिला गया होगा. लड़कियां सबको ना एक्सपीरियंस होता है, हम लोगों को थोड़ी ना एक्सपीरियंस है यार, कभी कभी खाते हैं. लड़की सब तो गोलगप्पो खाती है तो बड़ा अजीब होता है, गोलगप्पा खाने की स्थिति में भी वो सबके साथ यही होता है, छिलाई हो जाएगा फिर भी खैबे करेगी. और तीखा बनाओ, और तीखा भैया, और तीखा बनाओ. यार कितना तीखा खाओगे, थोड़ा सा तीखा बढ़ा दीजिए ना. मतलब उन लोग का ठीक है, लेकिन अपने लोग, हम लोग यार बड़ा मुश्किल हो जाता है. एक गोलगप्पा खाते हैं तो यहाँ पे गरने लगता है यार, अजीब टाइप से. वो लोग सटासट पता नहीं. चलो अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर कुछ भी हो लेकिन क्वेश्चन अगला ही है. डेट्स स्ट्रेंज आवर किड्स ब्लैंक वॉच टीवी सीरियल. जरा ध्यान से देखना, आपके सामने ऑप्शन है, सबसे पहला डू नॉट, दूसरा आर, तीसरा बी, चौथा नन. एक बात बताना, डेट्स स्ट्रेंज आवर किड्स. एक बात बताना, किड्स अपने आप पे सिंगुलर है या प्लूरल? आप बोलोगे सर ये तो अपने आप पे प्लूरल है. अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा मेरे भाई? तो वह भी तो प्लूरल लेगा. अगर वह प्लूरल लेगा तो डू नॉट आएगा, आर आएगा, बी आएगा, नन क्या आ सकता है? एक बात बताना, अगर किड्स आर आता तो आर के साथ हम जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ आईएनजी आना चाहिए, यानी ये तो डिस्कशन से बाहर हुआ, ये भी डिस्कशन से, नन तो होगा नहीं. ऑप्शन बचा कौन? पहला ऑप्शन, यानी डू नॉट इज द राइट आंसर. अगला क्वेश्चन को हम लोग प्रवेश करते हैं, जरा ध्यान से देखो. और क्वेश्चन लिखा हुआ है दे ब्लैंक हैव नेक्स्ट वीक. ऑप्शन ये रहा, सबसे पहला ऑप्शन है हैड कम, दूसरा ऑप्शन है कमिंग, तीसरा ऑप्शन है केम और चौथा है विलकम. वेलकम नहीं, विल कम. एक बात बताना, दे अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल? आप बोलोगे आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट याद है मेरे को सर, आयुर्वेद जो आप बोले थे सुबह शाम लेने के लिए, खाने से जस्ट पहले और खाने के जस्ट बाद, वो चीज़ें मेरे को याद है. और उसमें मैंने आपको बताया है कि दे अपने आप में प्लूरल होता है, प्लूरल होने की वजह से वर्ब भी प्लूरल लेता है. इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि दे अब बड़का है तो वर्ब देखने में छुटका लेगा. एक बात बताना, हैड कम आ सकता है क्या? आप बोलोगे आ सकता है. फिर हैव क्या कर रहा है, इसका मतलब डिस्कशन से बाहर हुआ. कमिंग तो होगा नहीं, क्योंकि कमिंग तब आता जब सेंस देता कंटिन्यूअस का, फिर यहाँ पे हैव है, इसका मतलब ये भी डिस्कशन से बाहर हुआ. आपके सामने क्वेश्चन है केम. अरे भैया केम यानी सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता. इसका मतलब आपके सामने एकमात्र ऑप्शन है डी फॉर डेली इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और याद रखना मेरे भाई, आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा. इसलिए ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, और मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे गले में खराश है. खैर ये तो दूर की बात है, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आप तक डिलीवर करूँ. और अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस रहेगा तो हर एक 3-25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा. एक बेस्ट लेवल का रैंकर्स सेलेक्टेड प्रैक्टिस के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और हम लोग रैंक निकालेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.